लोग रोज रोज भोजन करते हैं, लोग दिन में 10 बार भोजन करते हैं, तो भी कोई त्योहार नहीं बनता। आप दिन में 10 बार भोजन करते हैं तो भी कोई त्योहार नहीं बनता। और आदिनाथ भगवान ने सिर्फ 1 बार आहार किया और त्योहार बन गया। इच्छु रस का किया पारण, किस चीज का पारण हुआ था? इच्छु रस का किया पारण, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। इच्छु रस का किया पारण, अक्षय तृतीय महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ऐसा कर्म उदय में आया, 12 महीने तक आहार नहीं पाया। यहां तो 12 घंटे ना मिले तो हाल देख लो आप। और आदमी दिन को भी खाता है और रात को भी खाता है, जबकि कोई कोई जानवर तक ऐसे होते हैं कि दिन को खाते हैं रात को नहीं खाते। आदिनाथ के वंशजों में से हैं आप लोग कि 12 माह तक आहार ना मिला तो आहार नहीं किया, अविग्रह ना मिला तो आहार नहीं किया। 6 माह तो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं 6 माह तक निराहार तप करूंगा। मुनि दीक्षा लेते साथ ही 6 महीने का उपवास का व्रत लिया था और 6 माह बल्कि 7 माह 9 दिन तक वो परिभ्रमण करते रहे। ऐसा कर्म उदय में आया, कौन सा कर्म? वो जब षट कर्तव्य सिखा रहे थे तो किसानों को सिखा रहे थे खेती करना, और बैल उनकी फसल खा जाते थे, तो उन्होंने कहा भगवान कुछ बताइए, हम जो मेहनत करते हैं वो सब जानवर खा जाते हैं। तो कहा इनके मुंह में मूसिका बांध दीजिए, और मूसिका बांधा बोले 6 घड़ी के लिए, और उनको बंध पड़ गया 6 महीने। इसका मतलब है कि कर्म तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते। फिर आप तो अपन क्या चीज है, कभी भी कर्म करने में सावधानी बरतिए। छोटा कर्म खोटा कर्म कर देते हैं और जब उदय में आता है तो रोना पड़ता है। ऐसा कर्म उदय में आया, 12 मास आहार न पाया, सूखी कल्प वृक्ष सीकाया, फिर भी दिल से नहीं घबराया, घर घर में नित्य जावे गोचरी, घर घर में नित्य जावे गोचरी, देवे सब सम्मान, जय जय आदिनाथ भगवान। तब पूरा करके वो घर घर में जाते हैं गोचरी के लिए। बंधन नहीं होता है मुनियों की गोचरी पर, ऐसा नहीं होता है कि महाराज जी आएंगे तो पहले दिन प्रधान के यहां, दूसरे दिन मंत्री के यहां, तीसरे दिन प्रधानमंत्री के यहां, ऐसा नहीं होता है। वो जहां योग संयोग मिले, और हमारा तो बहुत ऐसा योग बना कि 4 बार चाई का घर, 4 बार चार बस, 4 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा, हम खड़े हैं 2 श्रावक खड़े हैं, हो गया। विधि का योग बनना चाहिए, संयोग मिलना चाहिए तो पारणा होता है। घर घर में नित जाएं गोचरी और देवे सब सम्मान, सब सम्मान तो देते हैं। ये हमारे महाराज आए हैं,
ये हमारे प्रभु आए हैं, इन्हें सबको छोड़ा है, सम्मान तो सब देते हैं लेकिन गोचरी नहीं समझ पाते हैं। कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, रत्न थाल कोई बोहरावे, रत्न थाल कोई दिखलावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, प्रभु देख पाछा फिर जावे, प्रभु देख पाछा फिर जावे, बारह घड़ी अंतराय की कीनी, अंतराय की कीनी, बारह माह भुगतान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय। लोगों को पता तो था नहीं कि भगवान महाराज जैसे क्यों निकल रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने देखा कि इनके लिए चलने का कोई वाहन नहीं है। हमारे महाराज के पास खूब वाहन थे, खूब हाथी घोड़े थे, तो उन्होंने देखा अभी कोई वाहन नहीं है, तो हाथी देने आ गए, कोई घोड़ा देने आ गया, और कोई रत्नों के थाल भर के ले आए। देखो कपड़े तक नहीं है पहनने को, हार मुकुट कुछ भी नहीं है, तो रत्नों के थाल भर के लेके आए, और कोई कन्या लेके आ गए, शायद इनको विवाह करना होगा, कन्या लेके आ गए, और फिर कोई कपड़े लेके आ गए। उस समय का इतना सरल जमाना था कि ऐसे सर्वसंग त्यागी वीतरागी प्रभु के सामने भी तरह तरह की चीजें लेके आए, लेकिन सब चीजें देख करके भगवान वापिस मुड़ जाते थे, मुनिराज वापिस मुड़ जाते थे। मतलब इसका यह है कि अगर कोई ग्रस्त कुछ भी भेंट करने आए मुनियों को, तो मुनियों को उन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। मुनियों के लिए तो मुनि के जैसा शुद्ध आहार मिले तो ही ठीक है। श्रावकों की तरह उपकरण ग्रहण करने लगेंगे तो श्रावक और श्रमणों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। और फिर त्रिलोक पूज्य पद जो है उसे भी श्रावक साधारण मानने लगते हैं, हमारे ही जैसे हैं, तो ऐसे ही व्यवहार करने लगते हैं, ऐसे ही बातें बनाने लगते हैं, जबकि मार्ग आदिनाथ स्वामी का मार्ग है, भीख मांगने वालों का मार्ग नहीं है, सब कुछ छोड़ करके महान तप करने वालों का मार्ग है। कि भोगी लोग जो हैं इनके भोग में कोई मर भी जाए तो भी भोग छोड़ना नहीं चाहते, दूसरा लेने को तैयार हो जाते। निस्तरता देख करके और आदि स्वर स्वामी ने वैराग्य लिया, सब कुछ त्याग दिया, मुनि बन गए, और बारह घड़ी जो अंतराय की थी वो बारह महीने निकल गए, तेरह महीने निकल गए। कैसे? तो चैत्र कृष्णा नवमी उसी दिन हुआ उन्हें वैराग्य। तो चैत्र कृष्णा नवमी से आज तक के दिन कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए? चैत्र से चैत्र तक 12 महीने, चैत्र नवमी से चैत्र नवमी तक 12 महीने हो गए। अब चैत्र नवमी के बाद चैत्र की कृष्णा की दशमी से गिनो, 6 दिन वो हैं, फिर चैत्र का पूरा शुक्ल पक्ष, वैशाख का पूरा कृष्ण पक्ष, और वैशाख का फिर 3 दिन का ये शुक्ल पक्ष, 3 दिन और, 6, 3, 9 और 13 महीने, 13 महीने 9 दिन तक अन्न का दाना पानी की बूंद भी भगवान ने स्वीकार नहीं की। वैराग्य होने पर जब प्रभु ने दीक्षा ली तो कई सारे अनुकरण करने वालों ने भी दीक्षा ले ली, कई सारे राजा भी उनके साथ दीक्षित हो गए। कितने राजा उनके साथ दीक्षित हो गए थे? 4000 राजा। उनने विचार किया कि हमारे महाराज जा रहे तो हम भी जाएंगे,
जैसा जैसा हमारे महाराज कर रहे वैसा हम भी करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि मुनिराज आदिनाथ ने जो किया सो तो ठीक हुआ, लेकिन वो कि सब के सब विचलित होने लगे, पानी पीने लगे, फल खाने लगे। तो यक्ष देवताओं ने कहा कि दिगंबर मुद्रा में ऐसा काम नहीं किया जा सकता, तो अलग अलग रूप धारण कर लिए और यही कल्पना करते रहे कि भगवान आज उठेंगे, कल उठेंगे, हमें रास्ता आज बताएंगे, कल बताएंगे। लेकिन उनको तो 6 माह पूरे हो गए और 6 माह में 4000 के 4000 सब इधर उधर तितर बितर हो गए। भुभुक्षता किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर डालता है। भूख बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए कभी भी श्रेष्ठ पात्रों को तो आहार दान आदि देना ही है, लेकिन कोई भूखा प्यासा आ जाए, पशु पंछी भी क्यों ना हो, उसको भी कुछ ना कुछ भोजन का प्रबंध कर देना चाहिए। तो ऐसा हुआ, बाहर है वास भुगतान। फिर क्या हुआ, जब 13 महीने 8 दिन बीत गए तो क्या हुआ, बिचरत बिचरत महल में आया, 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 भोजन दोष रहित नहीं पाया, भोजन दोष रहित नहीं पाया, प्रभु लौट कर बाहर आया, कहें श्रेयांश राय मुनि राया, एक चोरस ने दोष है स्वामी, एक चोरस ने दोष है स्वामी, यही लो कृपा निधान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। अलग अलग महलों में विचरण करते हुए, अलग अलग नगरों में विचरण करते हुए और श्रेयांश महाराज के हस्तनापुर तक पहुंच गए। आदिनाथ भगवान ने कहां दीक्षा ली थी, प्रयागराज में। प्रयाग आज भी बहुत फेमस है और अभी तो अखबारों में प्रयाग का नाम ही छाया हुआ है, जहां ऐसे महापुरुषों ने दीक्षा ली वहां ऐसे कीड़े तक पैदा हो गए। योग संयोग है। तो अयोध्या में जन्म लिया, वहां से पालकी पहुंची प्रयागराज, वहां उनकी इलाहाबाद में हुई दीक्षा और फिर भ्रमण करते रहे नगर नगर और भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए जी, हस्तनापुर। दिल्ली से कितनी दूर, और संभव है कि उस समय यहां कोई नगर की रचना होगी तो यहां तक भी उनका भ्रमण हुआ होगा। हस्तनापुर तो आखिर पॉइंट पर पहुंचे थे जहां उनका पड़गान हो गया। तो हस्तनापुर पहुंचे और देखा कि विधि का नियोग नहीं है, तो वो लौट करके बाहर आए। वापिस जाने लगे तो महाराज श्रेयांश ने फिर निवेदन किया, आग्रह किया, नमोस्तु नमोस्तु किया। महाराज श्रेयांश को याद आ गए अपने सारे के सारे सपने और पिछले भाव के जाते स्मरण। जिस दिन ये पारणा हुआ उस दिन उन्हें कौन सा सपना आया था, हमारे घर के आंगन में कल्प वृक्ष आकर के खड़ा है। मतलब है तपस्वी मुनिराज का किसी घर में आना उस घर में कल्प वृक्ष के आने के बराबर है। सुमेरु पर्वत आकर के हमारे आंगन में खड़ा है। और उन्होंने पड़गाहन किया, इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, सदोष नहीं है, उद्दिष्ट नहीं है, शुद्ध है, आप यहां पधारें और यही लो कृपा निधान, हे कृपा निधान यह लो। आगे प्रभु कर पात्र बढ़ाया, आगे प्रभु कर पात्र बढ़ाया, कुंवर से लड़ी रस बोहराया,
सेलड़ी मतलब गन्ना, इक्षु, इक्षु को सेलड़ी भी बोलते हैं। आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, आज प्रभु कर पात्र बढ़ाया, कुंवर सेलड़ी रस बहराया, शेरड़ी रस बहराया, किया पारणा सब मन भाया, किया पारणा सब मन भाया, तीन लोक में आनंद छाया, तीन लोक में आनंद छाया, घर घर हर्ष सब आया गाया, घर घर हर्ष सब आया गाया, सुर कर सुरवर मंगल गान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक चूरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। जब महाराज सोम ने और महाराज श्रेयांश ने आग्रह किया पधारिए, इक्षु रस शुद्ध है, इक्षु रस का सेलड़ी के रस का सबसे पुराना फल कहिए, सबसे पुराना पदार्थ इस देश का है तो इक्षु है, ईख है, गन्ना है, तो उसके रस का पारणा किया और वह पारणा सबके लिए मन भाया, तीन लोक में आनंद छा गया, देवता जय जयकार करने लगे, सबके घर में सवाया हर्ष हो गया, सुख कर मंगल गान और सुखकारी मंगल गान होने लगे, जय जय हैं। कर पात्र में आहार हुआ है, दिगंबर मुद्रा धादी आदिनाथ भगवान के पास ना कोई कपड़ा था, ना कोई बर्तन था, ना कोई प्लास्टिक के डिब्बे थे और ना कोई कटोरे थे, वह इतने निष्प्रय साधक थे कि बस वह गुजरते जाते और जहां शुद्ध निर्दोष आहार मिला, शुद्ध निर्दोष आहार मिला, वहां जाकर के उन्होंने अपना अंजलि पुट सामने कर दिया। भिखारी नहीं है कि कटोरा लेके घूमते, वो पूर्ण निर्ग्रंथ मुनिराज हैं। आजकल अपन देखते हैं कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर रूप धारण कर रखे हैं। असली मार्ग को समझो, असली मार्ग को पकड़ो, तीर्थंकर आदिनाथ जैसे महापुरुष त्याग करेंगे तो फिर क्यों कपड़े का टुकड़ा रखेंगे।